नमस्कार, जय गिन्नारी। वैदिक साधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कुंभ राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थोड़ी परेशानियों को छोड़कर बाकी सब अच्छा होगा। अप्रैल में आपके ग्रहों के अनुसार कई सारे अच्छे चांस मिलने वाले है। साथ में इस मास में मानसिक आनंद के साथ अपने परिवार जनों को खुश कर सकोगे। अभी तक आपने वैदिक साधना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उन पर क्लिक कीजिए और वैदिक साधना चैनल परिवार से जुड़िए। कुंभ राशि वाले यदि जमीन मकान के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपका काम रुक सकता है। यदि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो यह महीना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। गुरु भाइयों के लिए इस समय में काम से निवृत्त होकर बाहर जाने के चांस रहने वाले हैं। यदि आप विदेश में रहते हो तो कि आपके संबंधियों के बारे में कुछ बुरे समाचार मिल सकते हैं। किसी कारणवश देश में आने का चांस रह सकता है और विदेश में जाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस महीने दिक्कत रह सकती है, लेकिन प्रयत्न करने से समाधान भी मिल सकता है। हाँ, संतान की बाबतों में थोड़ी सी चिंता रहेगी। यदि आपके पैसे रुके हुए हैं तो जरूर उसका निवारण होगा। आप नई जॉब की तलाश में हैं तो महीने के एंड तक जरूर अच्छी जॉब मिल सकती है। साथ में इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक रह सकता है। यदि आपके अच्छे मित्र या फिर साथी है तो उनसे मधुर संबंध बनाए रखें। थोड़े नुकसान से आने वाले समय में होने वाला फायदे को ध्यान में जरूर रखें और व्यवसाय सुनियोजित तरीके से करने से व्यापार में भी आमदनी बढ़ने वाली है। यदि आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह मास के आखिर में करें। विद्यार्थियों का यह महीना दिक्कत भरा रह सकता है। हार्डवर्क करने वाले जातकों को इस महीने पैसे की दिक्कत रह सकती है, लेकिन नाना की समस्या का समाधान भी जरूर मिलेगा। साथ में यदि आपने व्यवसाय में नया साहस किया है तो इस महीने धीरे धीरे बढ़ोतरी होने वाली है। थोड़ा लग्न से और धैर्य से काम करना पड़ेगा। साथ में यह मास प्रेमी युगलों के लिए जीवन में यादगार लम्हों को यादों में संजोने का काम करेगा। शादी के लिए यह महीना आपका साथ नहीं देता दिख रहा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। औसतम कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना सफल और अच्छा रहने वाला है। इस महीने अपने रुके हुए काम या फिर किसी भी समस्या का समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। साथ में शनिवार को किसी जरूरत वाले को भोजन कराए आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और यहाँ पर जो भी वीडियो प्रसारित किए जाते हैं धर्म और ज्योतिष के आधार पर है। धर्म और ज्योतिष हमें जीवन जीने की सहायक रूप रहता है। हर सुख और दुख केवल ईश्वर के अधीन है। नमस्कार, जय गिन्ना।